गुना पुलिस का एक नया कारनामा, जिसमें 100 साल के एक वृद्ध को किया पुलिस ने गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि 2013 में उक्त वृद्ध के खिलाफ बिजली चोरी का केस दर्ज है। विजयपुर थाने में उक्त बुजुर्ग को पकड़ने में सफलता हासिल की है। वहीं सबसे बड़ी बात तो यह है कि विजयपुर थाना पुलिस विगत 5 वर्ष से उक्त बुजुर्ग को लापता यानी कि फरार बता रही थी, जबकि बुजुर्ग नन्नूलाल 20 सालों से अपने पैरों पर खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं धरनावदा के कनारी गांव में रहने वाले नन्नूलाल यादव की, जिनके पास तकरीबन 3 बीघा जमीन है, जिनके विरुद्ध मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ने 21 जनवरी 2013 को विद्युत चोरी का आरोप लगाकर न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था, जिस पर माननीय न्यायालय ने नन्नूलाल के विरुद्ध सम्मन जारी भी किया था। वहीं पुलिस द्वारा नन्नूलाल को लगातार फरार बताया जा रहा था। अब सवाल ये उठ खड़ा होता है कि क्या 90 और 100 वर्ष का बुजुर्ग विद्युत चोरी कर सकता है, जबकि ये बुजुर्ग 20 वर्षों से स्वास्थ्य के कारण अपने बिस्तर से भी नहीं उठ पाया है। वहीं विद्युत मंडल द्वारा अपने कार्यालय में बैठकर इस तरह की झूठी कार्रवाई बिना वास्तुस्थिति जाने कब तक की जाएगी। वहीं बता दें कि वृद्ध की गिरफ्तारी उसका बेटा उसको गोदी में उठाकर करवाने के लिए थाने पहुंचा। भूला कनारी थाना कौन सा लगता है? काय में उठाला है? कब होगा? अच्छा, क्या करता हो अपराध? अरे अपराध वो पता ही नहीं है। कह रहे हैं बिजली चोरी पकड़े गए हो? अरे कोई राम भजन करो, खाए की चोरी मैंने देखा। राम भजन चोरी मोरी मैंने जान ही नहीं कैसी हो चोरी। कौन गांव के हो? कनारी। कितनी उम्र है? उम्र कितनी है दादा? उम्र कितनी है? 71-72 की। ठंड में पकड़ लाई, रात की बैठ लेता हूँ। 100 बरस काय में उठा लाई पुलिस? बिजली की मोटर की बा कनेक्शन की बा में उठाला। मोटर चल रही थी देख के नहीं, चोरी की बा करके नहीं। पिताजी के से उठते बैठते भी नहीं बन रही आपकी स्थिति? बड़ी गंभीर नहीं बन रही। क्या स्वास्थ्य भी खराब है? क्या आप दवाएं साथ लेके आए? चलती है उनकी बिना वारंट के। सुबह से कितनी बार दवाएं दे चुके हैं? वारंट ले आओ यार, दवाई को पहले। किसान है? कब से किसानी कर रहे हैं? किसानी घूमने जवान भाई अब कर रहे हैं किसानी, या फिर भी बैठ गए हम करने लगे।